किस तरह से लगातार राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, वहीं आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में उनकी तरफ से रोड शो किया गया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 35वें दिन वाराणसी पहुंची। यूपी में न्याय यात्रा का दूसरा दिन था। राहुल गांधी ने काशी कॉरिडोर जाकर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी काशी विश्वनाथ मंदिर में आए थे। राहुल गांधी ने वाराणसी में 12 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। शहर के गोलगड्डा इलाके से इसकी शुरुआत हुई, जो मैदागिन, ज्ञानवापी, गोदौलिया होते हुए मड़ुआडू तक गई और मड़ुआडी के बाद दरअसल गोदौलिया चौराहे पर लोगों को संबोधित किया और कहा कि देश में संविधान और उसके मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है। मंदिर में मैंने मत्था टेका, गंगा जी का प्रणाम करने आया हूं मैं। उसके सामने, गंगा जी के सामने मैं यहां अहंकार से नहीं आया हूं। मैं सिर झुका के, सिर नीचे झुका के ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया हूं। वाराणसी से न्याय यात्रा भदोही के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से देवघर के बाद राहुल गांधी ने काशी में महादेव की पूजा की, उसके संदेश क्या हैं? क्या कांग्रेस 24 के चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता फिर अपना रही है? एक और सवाल जो उठ रहा है कि वो है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से क्या अखिलेश ने दूरी बना ली है? चंदौली के बाद काशी में भी अखिलेश यादव उसका हिस्सा नहीं बने। बताया जा रहा है कि फिर प्रयागराज में स्वामी प्रसाद मौर्य इस यात्रा में शामिल होंगे। अरे नहीं, ये देश घूम, अरे नहीं, ये लोग देश नहीं देखे थे, देश घूमने जा रहे हैं, उनको जाने दो। राहुल गांधी की न्याय यात्रा गोदौलिया चौराहे से निकली आगे, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यात्रा निकलने के बाद गोदौलिया के नंदी चौराहे को 51 लीटर गंगा जल से धोया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि राहुल गांधी ने इस चौराहे को दूषित किया है। मांस खाने वाला जिसकी सनातन पर कोई आस्था न हो, उसने यहां आकर चौराहे को दूषित किया, लिहाजा हमने इसको 51 लीटर गंगा जल से पवित्र किया है। हमने 51 किलो गंगा जल, 51 लीटर गंगा जल ला करके नंदी चौराहा, जो बाबा का नंदी चौराहा प्रतीक है, उसको हम लोगों ने शुद्ध किया है। राहुल गांधी कभी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने गए, मजारों पे जाएंगे, वो लगाएंगे। आज चुनाव है तो विश्वनाथ मंदिर दर्शन कर रहे हैं, वो स्वयं शुद्ध है, इसलिए हम लोगों ने नंदी को शुद्ध करने का काम किया है।